डीटीएस एंड टीवी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पर क्लिक जरूर करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। आज मेरे पास में नेक्स्ट टीवी है, इसकी हाइट की समस्या है। इसके अंदर मैंने ये ICP चेंज कर ली है। ये बहुत ही अजीब फॉल्ट था, मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ क्योंकि मेरे को भी बहुत समस्या आई। ये STV-9302 नंबर की ये IC लगी हुई है। मैंने इनके सब वर्टिकल के पूरा सेक्शन को ढूंढ लिया था और वर्टिकल की हाइट नहीं बढ़ रही थी। हाइट बढ़ाने के लिए एक यहाँ रेस्टन जो 1 ओम की लगी हुई है, ये कैपेसिटर के ग्राउंड है, तो इसके साथ में ये जॉइंट है जिससे हाइट बढ़ा सकते हैं, या कोई कैपेसिटर फोल्ड होता है तो नया डाल दिया। पावर सप्लाई के जो भी इनके वर्टिकल की सप्लाई थी उसके ऊपर भी कैपेसिटर और पूरी कंप्लीट सब रनिंग साइज थी, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसके साथ ही मैंने यहाँ योक के अंदर भी इसके कनेक्शन को ये सीरीज में करके भी बहुत ट्राई की, लेकिन इसमें भी मेरे को कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था। ये मैंने रेस्टोरेंट इतना भाग पूरा कंप्लीट कर दिया तो भी ये समस्या सॉल्व नहीं हो रही थी। इसके लिए मैंने यहाँ पे सीधा ये IC के नंबर आपको दिखा देता हूँ मैं। ये इसके IC के नंबर है, ये आप देख लीजिए, ये IC का नंबर है 8823CPN65VD3। ये IC लगी हुई है इसके अंदर, यहाँ ये आप देख लीजिए, ये IC का नंबर है 8823CPN65VD3। ये IC लगी हुई है इसके अंदर, यहाँ ये आप देख लीजिए, ये IC का नंबर है 8823CPN65VD3। ये IC लगी हुई है इसके अंदर। यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये देखो इसकी साइड में जो पीछे मैंने लगा रखा है। यहाँ मेरे को समस्या थी, बहुत इसने बहुत मेहनत कराई थी। इसके साथ में ये मैंने देखो रेस्टन का ये पूरा कंपाउंड, ये फिल्टर, ये सब चेंज कर दिया। यहाँ तक कि PF को भी मैंने चेक कर लिया था तो भी हाइट नहीं बढ़ रही थी। सर्विस मोड खोलने के बाद में भी हाइट नहीं बढ़ रही थी। इसकी ऐसी समस्या आ गई थी कि हाइट बढ़ ही नहीं रही थी। बहुत ही ऐसा मौका कभी ही आता है कि हाइट नहीं बढ़ना एक बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि मैंने योक से लगा के पूरा वर्टिकल सेक्शन को पूरा रिपेयर किया है। ये आप देख सकते हो, पूरा कंप्लीट पूरा चेकआउट कर लिया था लेकिन हाइट बढ़ नहीं रही थी। तो आखिर में क्या है कि 88 ICA होती है उसके ऊपर जो साइना किट के अंदर तो एक PF लगा होता है, ये ऐसा एक PF लगा होता है। PF की जगह यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया है, उसकी वैल्यू है 047UF50V। ये आप देख सकते हो, ये समस्या है। अभी भी देखो ये ऐसी है, लेकिन एक बार मैं ये इसको कैपेसिटर को लगा के आपको चेक करा देता हूँ। अगर आप कैपेसिटर के ऊपर कैपेसिटर लगाओगे तो ये समस्या आया, देखना। मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ, इसको मैं निकाल देता हूँ, इसकी जगह दूसरा लगाएंगे।
इसका मैं कनेक्शन आउट कर लेता हूँ, कनेक्शन निकाल दिया इसका। अब देखना टीवी के अंदर क्या समस्या आ रही है। ये सामने स्क्रीन है, इसकी जगह मैं वापस कैपेसिटर लगाता हूँ। यहाँ माइनस है, ये देख लीजिए। ये देख लीजिए आप, ये कंप्लीट हो गई है। सिर्फ ये कैपेसिटर का ही फॉल्ट था। आपको भी ऐसी कभी समस्या आ जाए तो इसका पूरा ध्यान रखें। ऐसा नहीं हो कि योक कॉन ये सब कंप्लीट देखने के बाद में परेशान हो जाए। ये काफ़ी लंबा ये प्रोसीजर रहा, लेकिन ये फॉल्ट मिला नहीं था मेरे को। देख लीजिए आप, ये चालू है। वापिस ये कैपेसिटर को हटा देता हूँ मैं। ये कैपेसिटर का ही फॉल्ट था। ये देखिए, ये हटा दे तो ये देखो, इसको मैंने चेंज करना है। आपको इतना ध्यान रखना, आपको ये चेंज करने के बाद में ये प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगी। यही कैपेसिटर है, यहाँ पहले कोकिस्टर के पास में लगा हुआ है। ये हाइट की समस्या थी जो काफ़ी कुछ प्रयास के बाद में भी नहीं हुआ था, उसके बाद में ये कैपेसिटर मिला मेरे को, वहाँ से ये समस्या सॉल्व हो गई थी। आईसी के ऊपर सभी वोल्टेज सही मिल रहे थे, कोई वोल्टेज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो भी मैंने काफ़ी प्रयास किए थे तो फिर ये हाइट नहीं बढ़ी, तो अंत में मेरे को ये कैपेसिटर मिला था। इसके लिए वीडियो बनाया कि आप भी ऐसे परेशान नहीं हो, ताकि आपको जानकारी मिले। आप इतने टाइम आप हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पे क्लिक जरूर करें। पुनः आपको खूब खूब धन्यवाद।